सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सुपर फास्ट न्यूज को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। छात्रों को विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आनंद जूनियर पब्लिक हाई स्कूल उत्तरांचल कॉलोनी लोनी ने एक साइंस फेयर का आयोजन स्कूल प्रांगण में किया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने विज्ञान के विभिन्न मॉडलों का निर्माण अपने शिक्षक की मदद से किया। इसमें मिसाइल, पवन चक्की, रेफ्रिजरेटर आदि प्रमुख थे। स्कूल के प्रबंधक सुरेश सैनी के अनुसार इससे बच्चों में विज्ञान के प्रति जागृति आती है। पेश है यश कुमार की एक रिपोर्ट। कैसे काम करता है? वाटर डिस्पेंसर, ये ढक्कन ढीला करने से फायदा होता है। पहले तो बताया नहीं आपको कि जा रहे हैं।
My name is Al. I read in 6th standard. ये हमारा मिसाइल है. My name is Ayush. I read in 6th standard. ये हमारे इंडिया का मिसाइल है. ये आविष्कार APJ अब्दुल कलाम जी ने किया था. इसका इन्वेंशन 1885 में हुआ था. ये इंडिया का हमारा मिसाइल है. My name is Ayush Mishra. I reading 7th class. यहाँ पे मंदिर इसलिए लगा रखा है क्योंकि इसमें ये साइंस होता है कि यहाँ पे जो उसका त्रिकोण है, यहाँ पे जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो इससे नेगेटिव जगह मतलब नेगेटिव थिंग पॉजिटिव हो जाती है, और जब इसके अंदर घंटी और शंख बजते हैं उनकी आवाज़ से वातावरण में फैले हुए कीटाणु बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, और इसके अंदर जो हवन होते हैं और धूपबत्ती जब जलाई जाती है इनके धुएँ से आसपास का पर्यावरण शुद्ध होता है और गंदा नहीं होता. हमने ये वहाँ पर लगाया है. माय नेम इज़ ज़ायद. I read in 6th class. My ये हमने फ्रिज बनाया है, ये हमने थर्माकोल के द्वारे बनाया है, और ये खाने पीने की चीज़ वगैरह रहती है ज़्यादा वक्त तक रखी रहती है बाहर, ये कीटाणु लग जाते हैं इसलिए हमने फ्रिज बनाया है. My name is Kirti. I read in 6th standard. इन इलाकों में लगाए जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा तेज हवाएं चलती हैं, और जब ये पंखा हवा के द्वारा चलता है तब ये मैकेनिकल एनर्जी स्टोर कर लेता है और टर्बिन के द्वारा हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में, और ये हाथों के द्वारा चलाई जाती हैं. हम इसे बिना किसी प्रदूषण से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. My name is Kunal. I read in 8th standard. ये इसमें ये दर्शाया गया है, ये है पोल्यूटेड सिटी. इसमें ये दर्शाया गया है कि ये पोल्यूशन जो होता है, पोल्यूशन को हमें कम करना चाहिए. ये जो आसपास ये फैक्ट्री के आसपास जो भी खाली मैदान होते हैं इसमें हमें सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए. इसकी वजह से पोल्यूटेड सिटी का पोल्यूशन वातावरण जो भी है वो भी हमें कम करना चाहिए, इसी वजह से वो कम हो सकता है. आनंद पब्लिक यूनियन हाई स्कूल हर वर्ष ये साइंस एग्जीबिशन मनाता है. इससे हमारे बच्चों का चहुमुखी विकास होता है और बच्चों को नॉलेज बढ़ती है. शिक्षा के साथ साथ प्रैक्टिकली बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, और इसमें मेन बात यह है कि हमारे बच्चों ने ज़्यादातर ये वेस्टेज जो चीज़ होती हैं घर में उन्हीं से ये चीज़ बनाया है. कोई हमारा ज़्यादा इसमें पैसा भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है. बच्चों ने घरेलू जो बेकार चीज़ हो जाती हैं उनसे मिला के और जो है पूरे प्रोजेक्ट अलग अलग बनाए हैं हर तरह से. हर वर्ष बच्चों बनाते हैं हमारे यहाँ, और इस बार भी, और बच्चों के अंदर बड़ा जोश होता है, और सभी हमारे टीचर्स जो है बड़े उससे इसमें योगदान करते हैं, और बाहर से आए हुए भी हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो भी, उन्होंने भी देख कर बड़े खुश हुए हैं और बड़ी प्रसन्नता हुई है. और हमारे जो इसके प्रोग्राम को मनाने वाले हैं वो भी बहुत ही अच्छी और बड़ी मेहनत से करते हैं. वो रात दिन लगते हैं, हर बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को मॉडल के बारे में शिक्षा दी जाती है. थोड़ा सा हमारे ही क्षेत्र में ये साइंस एग्जीबिशन हम हर वर्ष मनाते हैं, और इससे बच्चों का बहुत चहुमुखी विकास होता है. और ये क्षेत्र थोड़ा हमारा डाउन है, वो पेरेंट्स जो है ना बच्चों को कोऑपरेट नहीं करते, फिर भी स्कूल अपनी तरफ से व्यवस्था करके बच्चों को ये प्रोग्राम कराता है. और ये आनंद पब्लिक जूनियर हाई स्कूल की साइंस एग्जीबिशन देखने के लिए मैं इस विद्यालय में आई हूँ.
जो कि बच्चों ने इसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है और इससे बच्चों को विज्ञान के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी मिलती है। अलग अलग प्रकार के बच्चों ने मॉडल्स बनाए, कुछ ने सौर ऊर्जा का, किसी ने वैक्यूम क्लीनर, तो बहुत ही अच्छा, जैसे कि बच्चों का स्टैंडर्ड है 8th क्लास तक का, उस हिसाब से इनकी नॉलेज मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसी तरह से विद्यालय में एक्टिविटीज़ होती रहें तो बच्चों का चहुमुखी विकास होता रहेगा। जितने भी यहाँ पर आप प्रोजेक्ट और मॉडल्स बने हुए देख रहे हैं, जिसमें बच्चों ने कुछ ना कुछ अलग अलग थिंकिंग से अपने जितने भी वेस्टेज मटेरियल है उन सबको यूज़ किया है, और इसमें कुछ रेफ्रिजरेटर, एयर कूलर और साथ ही साथ हीटर और बहुत सारे कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जैसे ATM और उसके साथ साथ ATM और मशीन दूसरी बहुत सारी, जिसमें वाटर प्योरीफायर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं, जिन्हें बच्चों ने अपने घर के यूज़ वेस्ट मटेरियल से यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की है। और मैं चाहूँगा कि सभी जो जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स आ रहे हैं और सभी बच्चे, टीचर, सभी ने यहाँ पर देखा, सभी को बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में, अगली नेक्स्ट ईयर में और इससे भी ज़्यादा मेहनत करूँ बच्चों के साथ। साइंस फेयर हम हर साल अपने स्कूल में करते हैं, साइंस डे पे सेलिब्रेट करते हैं इसमें, और हमारे स्कूल के सभी बच्चे इसके अंदर मॉडल, जो उनको एक टॉपिक दिया जाता है उसके ऊपर सेल्फ अपने आप बच्चे उसको तैयार करते हैं। और इसके अंदर मतलब कि हर तरह के साइंस का, जैसे बच्चों ने रॉकेट वगैरह हैं, फ्रिज वगैरह हैं बैटरी से, और एनवायरनमेंट है, वाटर साइकिल वगैरह है, इन सब के ऊपर बच्चों ने कुछ ना कुछ अपना माइंड से मतलब कि तैयार किया है हर एक मॉडल को, और बेस्ट से बेस्ट बच्चों ने बनाने की कोशिश की है।